यहाँ वाला हाई स्पीड है बिल्कुल, कि आपको इतने पे चलना ही चलना है, उससे नीचे हुए तो घर पे मिलेगी टिकट। और कोई भाई बहन कोई भी यहाँ आया हुआ है, किसी को गाड़ी लेनी है, उसके इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, किसी को स्टडी वीजा लगवाना है, किसी को यहाँ आना है, हेल्प मिलेगी। ये क्या हो गया एकदम से? तर 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 एकदम बजने लगी है। अभी तो मंदिर पहुंचे भी नहीं। व्यू देख, व्यू तो सावन की बारिश, मतलब यहाँ भी सावन वैसे ही काम करता है। देखो मतलब इंडिया में सावन आया हुआ है तो एक्चुअली इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही आया हुआ है, मतलब यहाँ भी आया हुआ है। हाँ वहाँ तो कुछ ज्यादा ही आया हुआ है, मनाली में इतना बुरा हाल हो रहा है, बट यहाँ भी ऐसा है। देखो अभी घर से निकले थे, बहुत बारिश थी, सामने दिखा हाईवे, दिखा हमारा कितना बढ़िया, बारिश रुक गई है, मतलब बारिश यार रुक चुकी है एकदम। घर से निकली अच्छी खासी बारिश हो रही है और यहाँ बारिश रुक चुकी है। बादल जरूर है, बादल है पर बारिश नहीं है। और अभी जब घर से निकले थे तो ये बूंदे पड़ी हुई है जब बारिश हो रही थी, इसलिए शिवरात्रि है। हम भी चलो थोड़े भक्त बन के, कनाडा में लोग मैंने भक्त कम देखे हैं, हमारे जैसे जो है उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो नहीं है या जो है भी वो इसलिए जा नहीं पाते क्योंकि आधों के पास व्हीकल नहीं होता और आधों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आप बस में कहीं भी ट्रैवल करोगे तो घंटा डेढ़ लग जाता है और इतना टाइम यहाँ पे किसी के पास होता नहीं है। ये व्यू ले लो, थोड़ा सा बढ़िया वाला व्यू ले लो, मतलब मैं वहाँ इंडिया बैठ के देखा करता था ना कि कनाडा की रोड्स कैसी हैं कैसी नहीं है। लो आप भी देखो कैसी हैं, ये हाईवे लिखे हैं, नाम वगैरह नंबर वगैरह लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं जीपीएस पे। और ऊपर से देखो मतलब इंडिया में भी अच्छे अब हाईवे हो गए हैं, बट यहाँ वाला हाई स्पीड है बिल्कुल, कि आपको इतने पे चलना ही चलना है, उससे नीचे हुए तो घर पे मिलेगी टिकट, अगर स्पीड जितनी है उससे नीचे भी चल रहे तो भी टिकट, इसलिए हम क्रूज लगा के आराम से स्टीयरिंग छोड़ के आराम से बैठे हैं। और वैसे यहाँ जो लोग नहीं कर पाते वो हम कर रहे हैं, यहाँ लोग मैनुअल गाड़ी नहीं चलाते हम मैनुअल चला रहे हैं, क्या बात है। और एक बात, किसी को हेल्प चाहिए हो यहाँ, नीचे लिंक में कॉन्टेक्ट करने का वे बहुत सारे हैं, कॉन्टेक्ट करके मेरे से किसी भी तरीके से कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना है कुछ है, मैं हर वक्त रेडी हूँ बताने के लिए। और कोई भाई बहन कोई भी यहाँ आया हुआ है, किसी को गाड़ी लेनी है, उसके इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, किसी को स्टडी वीजा लगवाना है, किसी को यहाँ आना है, हेल्प मिलेगी। ट्राई कर रहा हूँ बहुत चीजों के लिए, मैं खुद नहीं लगाऊंगा बट कोई लिंक दूंगा, कोई सजेशन दूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा बताऊंगा ही, तो कॉन्टेक्ट करो और आगे कुछ ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करो। मैडम खाने के लिए इतना परेशान हो रही है ना, मतलब मैं दिखा दूं फोन की स्क्रीन पे चल क्या रहा है तो आप समझ जाओगे। ये देखो तो देखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कहीं भी मुंह उठा के चल रहा है, मतलब देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है कि कहां पे अच्छे छोले भटूरे मिल रहे हैं, एक तो यहां छोले भटूरे ढूंढना टास्क है यार, मतलब हम किशनर रह रहे हैं, किशनर वालों कुछ तो करो, नहीं हमें पता नहीं है, बहुत तो ने बहुत कुछ कर रखा है, सजेशन डालो, सजेशन डाल के हमें पता लगे किशनर में कहाँ पे क्या है ऐसा खाने पीने वाला। हमें नहीं? तो दो चार ही पता है और उन दो चार के हम ट्राई कर चुके हैं, पर हमें वो मतलब ये कि चलो कहीं और भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हाँ दिल्ली वाला तो नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ गए हैं, राजधानी हम दो तीन बार गए हैं कैम्ब्रिज वाले, और एक बार वहाँ गए थे क्या नाम है चॉइस करके, क्या नाम चॉइस है एक, वो भी ठीक था, मतलब ओंकार पे भी खाए, भटूरे में प्रॉब्लम नहीं, हमें छोले में प्रॉब्लम है। तो जो एक बार को हमारा व्लॉग देख रहा हो, वैसे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो नहीं कर रखा, कर लो, जो भी देख रहा हो सजेशन दो कि किचनर वाटरलू में हमें कहाँ जाना चाहिए। ये क्या हो गया एकदम से? एकदम बजने लगी है, अभी तो हम मंदिर पहुंचे भी नहीं, व्यू देख, व्यू मतलब ऐसा हो गया कुछ दिख ही नहीं रहा, बारिश तो बहुत तेज हो गई, अभी तो हम मंदिर पहुंचे भी नहीं, अभी एकदम साफ था और अभी एकदम बारिश शुरू हो गई। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला यही तो सावन की बारिश है, मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, कुहाट एनक्लेव से निकलता था, बहुत तेज बारिश है, पूरा गीला हो गया, जैसे पीतमपुरा पहुंचा बारिश बंद, वही हाल यहाँ है, घर से निकला एक एग्जिट पे बारिश नहीं थी, दूसरी में बहुत तेज हो गई। भाई ये सारा एरिया मंदिर का ही है, ये सारा याद नहीं है दिवाली पे जो जितनी भीड़ थी, हमने पार्किंग में लगाई थी, मतलब हाँ पार्किंग वहीं करी थी हमने, मैं जब नया नया आया था ना, पर ये आ गए मंदिर, हम चलते हैं अंदर मंदिर पे, वैसे मेरे को लगा भीड़ होगी थोड़ी सी, बारिश कम करा दी, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा मंदिर में मेरे को लगा भीड़ होगी थोड़ी सी,
मैं तो नहीं है। दिवाली पे ही देखी है मैंने, दिवाली पे तो जगह ही नहीं थी, मतलब दिवाली वाला व्लॉग देख लो हम कैसे कितनी दूर गाड़ी लगा के थे वहाँ पे, भीड़ पर इससे ज्यादा थी शिवरात्रि पे, पर वो बड़ी शिवरात्रि थी, आज छोटी शिवरात्रि है। अरे मैं तो निकल गई बाहर पर बारिश पूरी तरह रुक ही गई ऑलमोस्ट, है ना, भीगने वाली नहीं रही, एक सेकंड में रुक गई बारिश। हाँ उधर से खोला होता पर उधर की पार्किंग वो है ना परमिट वाली, हाँ ये भी लॉक है, ये खुला होगा फिर, चलो चले आ गए शिवरात्रि में। मैं पहली बार आया हूँ, देखते हैं जल वगैरह कहाँ से मिलेगा और शिवलिंग कहाँ है। शिवलिंग उधर ही है I think, ये कह रही है उधर ही है, आओ आपको भी कराएं साथ साथ दर्शन, हम तो चल ही रहे हैं और फिर दर्शन करने के बाद मैं करूँगा दोबारा से चालू। ये यहाँ पे है शिवलिंग, अब यहाँ देखते हैं, ओ शिवलिंग जैसे ये रहा जल चढ़ाने के लिए, जल पड़ा और यहाँ चढ़ाना है, बहुत अच्छे लाइक इसमें डाल के चढ़ाना, हाँ इसमें डाल ले, वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते, छोटा नहीं जब बड़ी थी तो हमने उधर चढ़ाया। अच्छा चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। क्या कर रही है ये? मैं आपके लगाती हूँ बिंदी, ऐसे लगाती हूँ बस ठीक है, लगा ये देखो यहाँ आके ना वही वाली बात है, पंडित खुद ही बन जाना है। तो क्या करें हम, पंडित जी हैं नहीं यहाँ पे, कैसे लगाऊं, आया नहीं कलर, नहीं आया मतलब बहुत लाइट आया, ठीक है वैसे तो। राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, सीताराम जी, यहाँ माता रानी और इधर आ गए भोले बाबा और पार्वती जी। सैटरडे है तो देखो यहाँ पे ऑयल वगैरह भी है, तेल चढ़ाने के लिए ऐसे है। देख तेरी बात ठीक है, पाठ पूजा कर लो, बट बात क्या है, इन्होंने ही सब्सक्राइबर देने हैं, वो तभी देंगे अगर आप ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, ध्यान दे रहे हैं, सारा ध्यान इन्हीं की तरफ है, रोज घर से इनको याद करके ही निकलता हूँ मैं, बिना याद करके निकलता नहीं, रोज याद करता हूँ इनको, सबसे पहले काम पे तो जाना हो जिस भी वक्त इनको याद करके निकलता हूँ मैं। मंदिर हम बहुत दिन बाद आए हैं पर इनको तो रोज याद कर लेते हैं, और मंदिर में भी कोई भी नहीं है तो हमारे दर्शन भी ऐसे तसल्ली से हो रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें बैठ जाते हैं, एक्चुअल ऐसा है कि बैठ जाए थोड़ी देर, शांति है ना बहुत, साइलेंट अच्छा लग रहा है। हो गए दर्शन, हो गए दर्शन, बड़े सोने लग रहे हो लाइट में, दर्शन ऐसे क्या कह रहे हो, मैं कह रही हूँ बड़े सोने लग रहे हो लाइट में, ओह माय गॉड तो लाइन मार रही है मेरे को व्लॉग में, मेरे का दर्शन तो हो गया, बच्चों वाला काम हो गया, थोड़े गंदे वाला काम कर ले, गंदे वाला, अरे इधर दिखाओ टीका अपना तो मैंने लगाया, परफेक्ट परफेक्ट। अब तो चलो दर्शन हो गए सारे, बोलो जय माता दी, अब क्या करना है जल्दी बोलो, भुक्की लगी है, भुक्की लगी है, पेटू भरो, चले फिर, चलो फिर, फिर वही जगह जहाँ अभी इतना मना कर रहे थे, क्या करें कुछ खुला ही नहीं अभी तक, 10 बज गए, एक तो ये बहुत बड़ी बीमारी है ना, यहाँ कुछ खुलता नहीं है, बंद टाइम से होता, खुलता है नहीं। भटूरे खाने हैं तुमने, ये नान नून खाएगी मुझे पता है इसका, देखते हैं बैठते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, इन्होंने पीछे गाने चला रखे, अब क्या करूं, तेज तेज बोला था कि आवाज ना आए गाने, नहीं तेज जितना मर्जी तेज बोलो पीछे गाने की आवाज तो आ जाएगी। ऑर्डर कर दिया, देखो देखो इधर देखो, अभी नहीं अभी आएगा, नहीं दिखा दे तो पहले दिखा दो फिर शक्ल देखना कैसी है। हमने करा चना कुलचा छोले भटूरे, चने कुलचे में हमने चना नहीं मंगाया, हमने शाही पनीर कुलचा कर दिया उसे और चना भटूरा कर दिया, तो इसलिए दिमाग चला के मैंने कहा चने भी खा लेंगे और शाही पनीर भी खा लेंगे। आ गया ये, हाँ जी हो गए चालू, हो गए चालू, मतलब अभी एक चीज़ आई है, दूसरी यानी बाकी है, और मैडम की एक्साइटमेंट देखो, मैडम की एक्साइटमेंट देखो, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वेट
और हमें देखो हमें आ रही है नींद यहाँ दबा के। कोई नहीं खाते हैं फिर। एक्सप्रेशन दिखा दूँ? कह रही एक्सप्रेशन दिखा दो, फेक नहीं देने, सही वाले देने हैं। ये वो है जो मतलब बहुत देर से खाली पेट बैठे बैठे खाने का मन कर गया, टेस्ट उतना नहीं हमें पता है कि बस ठीक है, हाँ काम चलाने लायक है। मैं भी खा लूँ फिर। ये क्या सेकंड ऑप्शन आ गया है भैया? आलू कुलचा। हाँ अपने छोले, और हम अब खा लें, खा के बताते हैं फिर भाई। ये देखो मैडम रुक नहीं पा रही, जो हमारी कह रही है खाने तो देख, खाते हुए तो मत चालू कर दिए। ये रेली रसमलाई, मिठाइयाँ बहुत सारी हैं, और ये देखो ये लेके भाग पड़ी, लेके भाग पड़ी। भाई भाई ये मेरी भी है यार, ऐसे ऐसे मत कर, सुन 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 सुन, मेरे को भी खानी है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, होने मुड़ते यार, ये तरीका नहीं है। मतलब बोला मैंने रसमलाई ले लेती है, कह रही आइसक्रीम ले लेते। मैंने कहा यार आइसक्रीम तो खाते रहते, जब आप भटूरे खाए हैं वो खाया तो फिर आज रसमलाई खाते हैं। और दसू तूने देख लिया आइसक्रीम बोली थी मैकडी की, यार ऐसे मत कैमरे में तू मत झूठ बोला कर हर वक्त है। और देख लो अब लेके भागी ऐसे, इसे पता नहीं इसी इसी को खानी थी। वो देखो देखो हरकतें देखो, पक्के हैं भाई पक्के हैं अपने, मतलब खा के चलो, नींद बढ़िया आने वाली है क्योंकि रायता भी सही क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब ओवर टाइम है तो इतना तो बनता है ना। क्या बात है, ये तो ओवर टाइम वाली बात आ गई है। अब टी शर्ट की चिंता, धुल जाएगी भाई, कौन सा तुमने हाथ से ऐसे ऐसे करके धोनी है। ये देखो रसमलाई, $4 की रसमलाई। वैसे हम $8 वाला वॉलमार्ट वाला लेते हैं ना, उसमें ज्यादा आती है, बट अभी खानी थी ना वॉलमार्ट, कौन जाए अभी, तो आइसक्रीम खाने ना, फिर आपने ही महंगा खर्चा किया। चलो कोई नहीं खाओ फिर आ जाओ जी, दे भी दो अब सारी खा गए। पहली पहला स्पून है मेरा, देख ले यार ऐसे मत कर। आप पुचर पुचर कर रहे थे आप जब ऑन करा मैंने। देखो 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 देखो, गिनती खत्म हो गई, इतने सारे हो गए। इधर से दो, इधर से दो, मजा आ गया। वही है जो डब्बे वाली आती है, पता नहीं कैसी अच्छी है। मैं तो कह रही हूँ वही है। तू कह रही है वही है? ये वही टेस्ट है डब्बे वाला। झूठ बोल रही है, डब्बे वाला नहीं है वो, डब्बे वाला भी ब्रांडेड है। ब्रांडेड है वो बात नहीं कर रही मैं, पर टेस्ट वही है। बट ठीक है अच्छी लग रही है। बंसी वाली नहीं है जो अंकित खिलाता, वो नहीं है ना, वो उससे समझ आ गया यहाँ पे। ऐसे ऐसे यार डिमोटिवेटेड लग रही है यार तू, इतनी यार ऐसे बोल रही है। यार खाने के मामले में देखो, मैं बच्चे आने वाले होंगे, जो आने वाले होंगे वो क्या कहेंगे, तो मैं क्या करूं, मेरे को अपने इंडिया वाले छोले भटूरे। अच्छा चलो एक बात बताओ, एक रियलिटी पे बनाए वीडियो, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच करें, मतलब क्या क्या बहुत सारी चीजें लोगों को वहां बैठ के लगता है। बहुत बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई है हम लोगों की भी। ऐसा नहीं है इंडियन फूड मिलेगा नहीं, अच्छा भी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बट जिस खाने के लिए वहाँ पे सपोज छोले भटूरे, अगर वहाँ महंगा भी खाते हैं गोपाल जी के, तो जैसे सपोज ₹150 ₹200 भी प्लेट हो गई हद मार के, मतलब यहाँ के $2 के हिसाब से, और यहाँ $15 के छोले भटूरे, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब हाँ अभी भी हमने क्या खाया, दो चीजें खाई है, 25-26 समथिंग हो गई, मतलब $30 ₹1800 का ऐसा कुछ नहीं खाया। 1800 में मेरे घर वाले, इसके घर वाले सारे मिलके बैठ के आराम से खाएंगे छोले भटूरे, जिससे स्वाद आएगा। पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, बात है आए हैं तो आप सोचना नहीं है, और आए हैं तो कंप्लेन नहीं कर रहे, पर ये मेरा पेट बोल रहा है कि हमें छोले भटूरे वो वाले नहीं मिल रहे। एक्चुअली ये है कि टेस्ट नहीं मिलता वो वाला। अब मतलब वैसे तो हमने एक्चुअली छोड़ दिया इसको ऐसे ऐसे करना प्राइस को, बट ठीक है खाना होता तो आपने नोटिस करा ही होगा कि हम हर दूसरे तीसरे सैटरडे संडे में आ ही जाते हैं यहाँ खाने, क्योंकि एक ये घर के पास भी और टेस्ट वाइज भी फिर भी चलो ठीक है, औरों से ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। मैं मेरे को इन्होंने पैसे नहीं दिए, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ ऐसे है। मेरे को ये ओकेश लगता है, मतलब मैं इधर बस इसलिए आई क्योंकि इस टाइम कोई और खुला नहीं होगा, मजा आ जाता है, खुल जल्दी जाता है, बात ये है, यही तो बात है। यहाँ पे सब टाइम से बंद हो जाता है और सब खुलता लेट है, खाने पीने का 11 बजे खुलता है और 6-7 बजे बंद हो जाते हैं, क्या करें, घर चलें, कर दो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब, करते हैं दी एंड, घर पहुंचते पहुंचते कुछ अच्छा मिला आपको दिखाते हैं, है ना, और कुछ बस फिर वही हमारी नाइट शिफ्ट,
वही अब जाके सोना है, टाइम हो गया 11:30। नींद बहुत अच्छी आएगी पर नींद अच्छी आ जाएगी क्योंकि खा अच्छे से लिया। व्लॉग को दी एंड करने का टाइम आ गया है, मतलब बड़ा शॉर्ट सा बनाया, रेगुलर स्केड्यूल में जितना टाइम निकल पाया उतना निकाल दिया। बेस्ट करा अपना, उसके लिए हम बाहर भी खा के आए कि मतलब व्लॉग बन जाए, मतलब व्लॉग बन जाए हम उसके लिए गए थे बस। आपको पता लग जाए कि वाटर लू किस में कहीं आ रहे हो तो कहाँ खाया जाए, कहाँ कैसे जाया जाए। मुझे घर में बनाने में दिक्कत थी, बट अगर हम सिर्फ मंदिर का बनाते तो 5 मिनट से ऊपर का व्लॉग नहीं था, तो मैंने कहा कि बाहर खा लेते हैं यार, लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसे आ जाएंगे, बात वो नहीं है। अरे चलो आ रहे हैं, वो तो ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, करो बहुत अच्छे से करो, मतलब ये चैनल खाली सब्सक्राइबर खींचने के लिए, करो करो जल्दी करो ऐसे। चलो करते हैं दी एंड, सोते हैं हम आराम से, हैप्पी जॉब पे, फिर रात को जाएंगे जॉब पे। हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, गुड नाइट, इट्स गुड नाइट फॉर अस।